देखो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने रिजल्ट किया था, हमने रिजल्ट ये किया था कि अगर ये रॉड है और रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद ओमेगा इन मैग्नेटिक फील्ड, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस और इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ का ये फॉर्मूला था, याद करो। ऐसे किया था हमने, तो रॉड को एक एंड से हिंज किया था, यहां से हिंज किया था और उसको एक एंड से घुमाया था, ऐसे ही था। इस क्वेश्चन के अंदर वो ये बोल ही नहीं रहा, वो क्या कह रहा है, एक रॉड है ओमेगा से घूम रहा है अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो डायग्राम एस है, तो ये यहां से इसका एक्सिस है, तो एक्सिस क्या है, सेंटर एक्सिस है। जैसे मैंने करवाया था क्लास में कि ये यहां हिंज्ड है और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ये कह रहा है कि ये यहां से घूम रहा है, ये इसका एक्सिस है, ये हिंज्ड है, ये ऐसे घूम रहा है। तो अब ऐसे घूमने में क्या हुआ, ये सेंटर है और ये कॉर्नर का पॉइंट है, तो टोटल लेंथ अगर एल है तो आधी लेंथ क्या है, तो हमें अपना आंसर सिर्फ इस लेंथ के लिए आता है, हमें पूरी लेंथ का थोड़ा है, क्योंकि हमें तो एक्सिस और कॉर्नर का पॉइंट लेना होता है, जो डिस्टेंस एल लेते हैं या आर लेते हैं वो एक्सिस और कॉर्नर का पॉइंट लेते हैं, तो एक्सिस हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पे, और कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर, तो एक्सिस और कॉर्नर में डिस्टेंस अब एल नहीं रहा, कितना हो गया एल बाई टू। तो जो हमने फॉर्मूला याद किया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वहां एल की जगह एल बाई टू, ये स्टेप समझ में आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर मार्क होगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, आंसर ऐसा क्यों मार्क हुआ, क्योंकि सेंटर में एक्सिस में और कॉर्नर के पॉइंट में डिस्टेंस यहां पर एल नहीं है, एल बाई टू है। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो क्यों होगा, देखो कितने को समझ में आ गया। देखो फिर से सेम केस है, फिर से एक्सिस परपेंडिकुलर में सही है, डायग्राम यही है, पर इस बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस, पिछले क्वेश्चन में ईएमएफ निकालनी थी इसकी और इसकी, अब की बार निकालनी है इसकी और इसकी, कॉर्नर के दो पॉइंट्स की, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अगर आप ये और ये पॉइंट लेते फिर तो आंसर पुराने वाला यही था, पर अब की बार आपने जो पॉइंट्स लिए बिल्कुल एंड के पॉइंट्स लिए, अब जब एंड के पॉइंट्स लेंगे तो क्या होगा, जब ये आधी रॉड है, आधी रॉड में ईएमएफ होगी, इसमें भी होगी, पर प्रॉब्लम ये है कि मान लो जब ये रोटेट करेगा तो मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पॉइंट है, तो मान लो इंड्यूस करंट ऐसे है मान लो, तो सिमिलरली इसके साथ भी होगा, इंड्यूस करंट सेंटर की तरफ होगा हमेशा, तो आप ये देखो कि जितना पोटेंशियल इसका नेगेटिव होगा उतना ही पोटेंशियल इसका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव सेम पोटेंशियल पे है, तो इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। तो अगर सेंटर और कॉर्नर लेते हैं फिर तो आएगा, पिछले वाला क्वेश्चन कॉर्नर कॉर्नर लेते हैं तो बाइसिमेट्री पोटेंशियल की वैल्यू विल रिमेन सेम, आंसर जीरो। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, कंसिडर दिस सिचुएशन एज शोन इन दी फिगर। जब हमने स्विच को क्या किया, इसमें क्लोज किया, तो क्लोज करते ही करंट इंक्रीज होगा, 0, 1, 2, 3, 4 करंट इंक्रीज होगा, तो जब इसमें क्लोज करते ही करंट इंक्रीज होगा तो करंट यहां पर
इंक्रीज होगा, तो पड़ोस में कॉइल पड़ी हुई थी तो इसके ऊपर करंट कैरिंग वायर ने बी लगा दिया, बी कैसे लगाया, थंब नीचे तो बी कैसे होगा आउटसाइड, तो यहाँ पर बी लगा और कैसे लगा आउटसाइड, और क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो बी की वैल्यू भी क्या हो रही है बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है। अब ये कॉइल कहता है अच्छा मेरा बी बाहर इंक्रीज हो रहा है, मैं नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना बी इनसाइड कर दूंगा, तो करंट ऐसे घुमाऊंगा कि मेरा भी इनसाइड होगा, तो करंट कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है यहां तक, करंट इसमें कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। अब जब आप स्विच ऑन करके वापस ऑफ कर दोगे, करंट अब यहां पर इंक्रीज की बजाय क्या हो जाएगा डिक्रीज, बी की वैल्यू बाहर है लेकिन क्या हो जाएगी डिक्रीज। अच्छा कॉइल कहते तो मेरा बी बाहर डिक्रीज कर रहे हो, मैं नहीं होने दूंगा, अब मैं भी अपना बी बाहर कर लूंगा, तो करंट कैसे घूमेगा एंटी, तो जब दबाएंगे तो करंट कैसे होगा क्लॉकवाइज, जब वापस ओपन कर देंगे तो करंट कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इन टाइप के क्वेश्चंस में। सेम क्वेश्चन, इस बार लूप राइट की बजाय इस बार लूप लेफ्ट में, तो स्विच ऑन करेंगे करंट क्या होगा इंक्रीज, तो थंब नीचे है तो बी कैसे होगा इसमें इनसाइड, तो इस बार जो यहां पर बी जनरेट होगा वो कैसे होगा इनसाइड, और अपनी वैल्यू को क्या करेगा इंक्रीज, तो बी की वैल्यू इसमें इंक्रीज होगी, तो ये कॉइल कहेगा अच्छा मेरा बी अंदर इंक्रीज हो रहा है, अब मैं बी बाहर कर लेता हूं, तो करंट कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे स्विच ऑफ करोगे तो करंट कैसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, उल्टा केस है। तो सोचना कैसे समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट, देखो इसमें बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट को हम रिलीज करते हैं एक कॉपर या कंडक्टर से बने हुए सिलेंडर में, शेल है ये कंडक्टर का बना हुआ है, और कितना बड़ा इनफाइनाइट है, ख़त्म ही नहीं होएगा, बार मैग्नेट गेरो सही सारी उम्र चलती रहेगी, मैग्नेट ख़त्म नहीं होगा डिस्टेंस, इतनी बड़ी है ठीक, बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट है। तो आपने एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया अंडर ग्रेविटी, तो नीचे इसके अंदर एंटर करेगी। अब ये शेल किससे बना हुआ है, बहुत सारी इमेजिन करो, रिंग से बना हुआ है, रिंग्स 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 मिला के बना हुआ है, तो जैसे इस रिंग में मैग्नेट आएगी तो रिंग का फ्लक्स इंक्रीज होगा, रिंग का ये अच्छा मेरा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो मैं अब करंट ऐसे घुमाऊंगी कि मैग्नेट मेरे पास ना आए, तो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पास आ रहा है तो पहली रिंग यहां पर क्या डेवलप कर लेगी ऊपर नॉर्थ, ताकि दूर भागे मैग्नेट, दूर भागे अपोज करेगी उसे कि पास ना आए, तो उस चक्कर में जो मैग्नेट है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, है ना, जितनी तेज आना चाहता था वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से एंटर करेगा, फैराडेज लॉ बोलता है जितनी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा उतना इंड्यूस करंट पैदा होगा और जिसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगी। तो शुरू में तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो स्पीड बढ़ती जाएगी, अब होगा क्या, जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है इंड्यूस करंट उतना ही ज़्यादा नीचे वाली रिंग्स में ज़्यादा जनरेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत तेज़ी से मैग्नेट आ रहा है, बहुत तेज़ी से फ्लक्स चेंज हो रहा है नीचे की रिंग्स का, और जब नीचे की रिंग्स का फ्लक्स बहुत जल्दी चेंज हो रहा है उतनी ज्यादा ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगी, उतना ही करंट ज्यादा पैदा होगा, उतनी ज्यादा मैग्नेट को अपोजिशन मिलेगी। एक टाइम पे ऐसा होगा कि जो मैग्नेट जिस फोर्स से नीचे आ रही है अपोजिंग फोर्स भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, जिससे कि इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे आता जाएगा, तो एंड में बहुत देर के बाद बहुत स्ट्रांग अपोजिशन होने वाली है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है मैग्नेट की, बढ़ती शुरू में तो बढ़ती 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 जाएगी, तो इंड्यूस करंट भी रिंग्स में बहुत ज़्यादा होता जाएगा और अल्टीमेटली इतनी अपोजिशन हो जाएगी कि जो मैग्नेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे टर्मिनल वेलोसिटी प्लस वन में करते थे, एक स्फीयर को पानी में गिरते थे, शुरू में वेलोसिटी तेज़ है, बाद में इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं, इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी। तो याद रखना मैग्नेट अल्टीमेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू में बहुत तेज आता है बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, किया था हमने वैसे शीट में ऐसा क्वेश्चन।
तो फिगर शोज हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच. सोलेनॉइड है, स्विच है, बैटरी है. जैसे ही आप एक बात हो स्विच ऑन करते हो, करंट इसमें बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इसका बी क्या होगा, इंक्रीज होगा. उस चक्कर में लूप का भी इंक्रीज हो गया. लूप कहता है अच्छा कि मेरा बी इंक्रीज हो गया, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो लूप भी यहाँ पर क्या डेवलप कर लेगा, साउथ, तो अपोज साउथ, साउथ रिपेल, तो रिंग थोड़ा पीछे चला जाएगा. तो इसका आंसर यही है, मूव अवे फ्रॉम दी सोलेनॉइड. जो अपोजिशन तो शो करेगा ही ना, तो दूर भाग जाएगा. किया था हमने ये. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट, एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही, जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं उसमें ईएमएफ जनरेट होती है. दूसरी, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेट. भाई आप बी चेंज करवाओगे, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ तब भी जनरेट होगी. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ठीक है, कंसिडर द सिचुएशन. रॉड लेफ्ट मूव कर रही है. इफ वायर ए बी इज रिप्लेस बाय सेमी सर्कुलर वायर, तो वो कह रहा है कि जो वायर है ना इसको स्ट्रेट की जगह एक ऐसी वायर ले लेते, क्या फर्क पड़ता है, क्या लेनी होती है, डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट तो फिर से एल हो गई, तो आंसर विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रेल्स में सेम रहेगी. टू सर्कुलर लूप्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट सम सेपरेशन. दो लूप्स हैं आमने सामने. फर्स्ट इज कट एंड बैटरी इज इंसर्टेड. कट किया, बैटरी लगा दी, ठीक, और करंट इसमें जा रहा है. डीसी बैटरी है, करंट कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है इसमें. अब जब कॉन्स्टेंट करंट जाएगा तो बी कॉन्स्टेंट है, पड़ोस के लूप का भी बी कॉन्स्टेंट है, इसमें करंट पैदा नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगा इसमें, बी कॉन्स्टेंट है. पर वो ये कह रहा है कि हुआ क्या कि करंट चेंजेस स्लाइटली बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. वो कह रहा है कि ठीक है इसमें करंट पास हो रहा था, थोड़ी देर में यार वायर ही गर्म होगी. मैं तो कांस्टेंट करंट पास किया था पर वायर गर्म हो गई. जब वायर गर्म हो गई तो वायर की रेजिस्टेंस चेंज हो गई, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गई. रेजिस्टेंस बढ़ने से पहली वायर में जिसमें बैटरी है उसमें करंट कम हो गया, जबकि मैंने कांस्टेंट किया था पर टेम्परेचर की वजह से करंट कम हो गया. करंट कम हो गया तो मान लो इसका जो बी है एक्सिस पे, बी है एक्सिस पे, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. कोई करंट कम हो रहा है, बी कम हो रहा है. साथ वाली कॉइल कहती है अच्छा तेरा बी कम हो रहा है, मेरा भी बी कम हो रहा है, तो मैं तेरा बी कम नहीं होने दूंगी. अब मैं करंट को ऐसा पैदा करूंगी कि मेरा बी भी तेरी तरफ ही जाएगा. तो मैं करंट को ऐसे पैदा करूंगी कि मेरा बी भी तेरी तरफ चला गया. सही है, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में इसने करंट भेजा उसी डायरेक्शन में इसने भी करंट भेज दिया ताकि बी दोनों का सेम हो जाए. अब वेन टू वायर आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. डन, अट्रैक्शन हो गई, खींच लेगा उसे. और वैसे भी बी इसका कमज़ोर था, पड़ोस की क्वाइल उसके पास ही जाएगी, भी मैं तेरी हेल्प करती हूँ. दूर दूर भागने का मतलब बी को कम करना, पास आने का मतलब बी को बढ़ाना. तो वैसे ही पास आना है कि तेरा बी मैं बढ़ाती हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ आ रही हूँ, तो बी बढ़ जाएगा. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. तो क्वाइल जो है वो आपस में पास आएंगी ताकि बी को स्ट्रॉन्ग कर सके, दूर जाने का मतलब बी को कम कर सके. इसका आंसर
a small conducting circular loop is placed inside a long solenoid carrying a current. The plane of the loop contains the axis of the solenoid. मान लो ये रूम एक सोलेनॉइड है और करंट ऐसे जा रहा है, तो B मान लो ऐसे जा रहा है इस रूम में. मैंने एक कॉइल लिया, वो कॉइल कैसा लिया, इट कंटेन्स एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. तो ये एक्सिस है, ये कॉइल है, कंटेन्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन. कंटेन्स का मतलब इन द सेम डायरेक्शन, ये रहा. तो हमने लूप को एक्सिस के साथ रख दिया. B कहाँ पर है, इस तरफ है. लूप कहाँ पर है, ऐसे. लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऐसा. B कहाँ पर है, ऐसा. B और एरिया में एंगल कितना है, 90. तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 90 कितना, जीरो. कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं, घर जाओ अपने, इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, खत्म, शो खत्म यार, होना ही कुछ नहीं है इसमें. समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है. जब 90 डिग्री पे एंगल बनाओगे बी और एरिया का, तो फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, बात खत्म. नेक्स्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन. कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स इन इट्स प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड. मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, करंट इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होगा, बोलो. कितने लोगों को समझ में आ गया इसमें करंट नहीं होगा, नेट करंट जीरो होगा, बोलो कैसे. कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये, फ्लक्स चेंज नहीं होगा. देखो यहां पर ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है. कैसे कंफ्यूजन होती है, कि वो कहते हैं जब एक रॉड मूव करवाते हैं तो BL भी जनरेट होता है, तो इसमें कोई करंट क्यों नहीं पैदा हो रहा. इसको समझते हैं दो तरीके से. पहला तरीका, सपोज करो ये देखो, ये देखो, सपोज ये आपके पास एक लूप है, ये लूप है. इस लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड है, चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो, ठीक है, लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है. मैंने जान के ऐसा बनाया कि कुछ लूप का पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और कुछ इनसाइड है. और मान लो मैं v वेलोसिटी से इसको एंटर करवा रहा हूँ. अब देखो होगा क्या, लूप का फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ रहा है, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, पूरे लूप में करंट जनरेट होगा. भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट तो होगा ही होगा. तो ऐसे केस में करंट कैसे होगा, करंट कैलकुलेट करने के लिए ये वाला, इसको आप रॉड कंसिडर करें. ये रॉड है, इस रॉड की डायरेक्शन राइट है, तो बी इनसाइड है, थंब राइट है, तो करंट कैसे होगा, ऊपर. ये रूल यहां लग नहीं सकता क्योंकि ये वाला लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. हॉरिजॉन्टल में लग नहीं सकता क्योंकि वी और लेंथ जब एक लाइन में होती है तो ईएमएफ जनरेट होती नहीं है. तो इसमें लग सकता है क्योंकि बी वी और एल तीनों 90 डिग्री पे है, तो पूरे चार साइड में से यहीं पे लगेगा. तो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, बोलो, यहां पर बीएलवी. और करंट क्या होगा, बीएलवी बाय रेजिस्टेंस आर. और करंट कैसे घूमेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये पहला केस है, क्लियर है यहां तक. पर मेरे को ऐसा केस दिया ही नहीं, मेरे को ये थोड़ा ना कहा कि कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है कुछ अंदर है. मेरे को तो ये गिवन है कि सारे का सारा जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप को मूव करवा रहे हैं. तो अब प्रॉब्लम, पहली एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि लूप में जितनी भी लाइंस पास हो रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर आप इसको शिफ्ट भी करवाते हो तो नंबर ऑफ लाइंस विल रिमेन सेम. कुछ यहां से बाहर निकलेंगी, कुछ नहीं एंटर कर जाएंगी, तो बात तो वही है. तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि जितनी लाइंस क्रॉस कर रही है, चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, इट विल रिमेन सेम. नो चेंज इन फ्लक्स,
नो ई एम एफ, नो करंट, कोई डाउट इसमें? तो नेट करंट पूरे लूप में क्या होगा? जीरो। पर कई बार लोग ना लगा नहीं पाते इकट्ठा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इसलिए लगा नहीं पाते क्योंकि लोगों को ना कंडक्टर पे बी एल वी लगाने की आदत है, क्योंकि मैंने सिखाया भी तो ऐसे है, बुक्स ऐसी सिखाती हैं, बी एल वी लूप कौन सिखा रहा है। तो वो लोग ऐसा करें, इस पूरे फ्रेम को चार रॉड्स में डिवाइड कर लें। तो ये आपकी रॉड नंबर वन है, वन। सिर्फ इसको देखना है, इस रॉड की लेंथ अगर एल है और ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, सिर्फ इस रॉड में क्या ईएमएफ जनरेट होगी कि नहीं होगी? होगी। रॉड बोला, बाकी को नहीं देखना, सिर्फ रॉड हमने किया। जब रॉड मूव करती है तो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी? बी, बिल्कुल जनरेट होगी। तो इसमें करंट कैसे पैदा होगा? ये बी, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, करंट कहां पर है? ऊपर। इंड्यूस करंट अगर ऊपर है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, कोई डाउट इसमें? सही है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगी क्योंकि लेंथ और वी आर इन सेम, तो ना इसमें होगी ना इसमें होगी, क्लोज। इसमें जनरेट होगी क्योंकि ये भी कहां जा रहा है? राइट, जैसे ये जा रहा है तो इस रॉड के अंदर भी करंट कहां जनरेट होगा? ऊपर। सेम डायग्राम है, क्लियर है यहां तक? करंट ऊपर, करंट ऊपर। कई लोग कहते हैं सर करंट करंट कैंसल, सही तो है, तो नेट करंट तो जीरो ही होगा। कई लोग सही तो बोल रहा हूं, इधर का करंट और इधर का करंट आपस में कैंसिल, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू भी सेम है, तो नेट करंट तो जीरो ही आएगा। कई लोग ऐसे कहते हैं ये प्लस तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जीरो, करंट कहां से घूमेगा? घूम ही नहीं सकता, तो नेट करंट जीरो। आपको जो एक्सप्लेनेशन पसंद है आप कर लो, कईयों को ये पसंद है चार करके, कईयों को एक ही बार में पसंद है, जो आपको समझ में आता है आप कर लो। पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन कैसे सोचना है ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल को वो इसका कुछ एक पोर्शन के ऊपर भी अगर अप्लाई करवाता है तो आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना। आप ये नहीं कह सकते कि नेट करंट जीरो है तो इसमें भी करंट नहीं होगा, नहीं, इसमें करंट होगा, उसमें भी रॉड में करंट होगा, लेकिन ओवरऑल करंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ठीक है।